सवेर हो गई। और देखिए हमारे मास्टर बहुत बढ़िया चीज बनावत हुआ, उन्हें से बड़ा ही शानदार आप लोगों के विधा सुने के मिलल, नॉलेज का भी बात सुने के मिलल, बहुत अच्छा लगल। यही होना चाहिए, ये सच्चाई है त्रिभुवन जी। कलाकार को किसी कलाकार का कमी नहीं निकालना चाहिए, प्यार से गाना चाहिए, लेकिन कहा करिए आजकल का गवैया ही ऐसा हो गई लगा के मारपीट कर लिया मारपीट कर लिया। लेकिन आपके संग बहुत अच्छा लगल, बहुत मजा आई, पूरी पार्टी से मजा आई, पूरी पार्टी तक बहुत मजा आई, बहुत अच्छा लगल। बस सही आपसे मुलाकात होके, हाँ मुलाकात होके, हाँ हम मुलाकात होके बढ़िया से रात बीते। हाँ जो भी है, हाँ भैया का बनावत हो कैसे फोन कैल कि आप लोगन का दो बेट गाना होके के चाहिए, जरूर गाएंगे, एक ठुका लेते हैं हम, उसके बाद जरूर गाएंगे। कहो भैया हमने तो रेडी भी कर ले नहीं जा। यदि देखिए कलाकार के यदि सेटिंग ना रही तब हूँ बीरू भैया, अगर त्रिभुवन जी जैसा कलाकार हो, जेंट्स हो और हमारा जैसा लेडीज होके तो हमनी का सेटिंग हच दे हो जाई। तो इनके कितना माने लू पता है, कितना माने ला? कितना तो हर बाबू तो हर मेहरी के मान देना, यही लाख तो बटले बड़ा। अरे कम बोला, कितना माने ला तो जनता के बीच में काहे बताए, दिल से माने ला। बरखा हो तक आओ आप भैया कैसे, ये देखिए सवेर का बेला है, लेकिन हमारे मास्टर का दिल का दर्द ना गई। कैसन तुहार दर्द है भैया, वादा है दीवाना दीवाने के बीच का, का अरे दिल ना तोड़ो, अरे दिल ना तोड़ो, ये कसम धोखा होला दरार आवेला तो समय दीवाना दीवाने का यह सोच रहेला का अरे जिंदगी है मगर करारी है। Yeah.
कर दिए। क्या बात है, ओह क्या बात है। गाना सीजनी गाइला, सीजनी सीजन वाला ही हम गाना गाइला, लेकिन हमारे सुरेंद्र भैया तू गावा। यदि गावे के तो आधा परसेंट गई है। हाँ हाँ, शुरुआत से गई है। हमके सीजन का चीज अच्छा लगेला, जहाँ जैसन तहाँ तैसन। कहो भैया गाव कैसे तोहार आवाज बनी। बहुत तेज हाँ, आओ भैया बहुत बढ़िया। आप लोगन के बात सुने के मिलल, वाकई में ये बात नॉलेज वाली रहल। त्रिभुवन जी की सच्चाई बा, दूध दही अगर बेचात बा तो लोग कहत हो कि पानी में मिरौले बा। दूध में यदि भले ही पानी है, लोग कहलक कि थरिया धो के दूध वाला पिए तो वह फायदा करी। भले पानी दूध में बा लेकिन फायदा करी, फायदा करी। लेकिन दारू लियात बा ते भैया पानी लोग डाल के पिए थे, इस सच्चाई बा कर भाई। कलयुग का देन हलो को उल्टा पुल्टा कमयो करत हो, उल्टा पुल्टा सब होत बा। तो आप देखा देर ना करे के प्रोग्राम हमने के दिन में भी है, दीपनगर में रात में भी है प्रोग्राम। तो भैया दोवेट हो जाए ना, आप लोगों का इच्छा है ना। हमने के दोवेट का मतलब कि एक संग है गा दे जा। अच्छा गाय लेंगे भी रहा, वाह क्या बात है भैया। 5 बज गए मोर भैया, हाँ का कर दिनवा कर कमा छोड़ दें भैया। क्या बात करत हो मोर भैया। नहीं नहीं देखिए दीपनगर जाना है ना, वहाँ पहुँचना है हमको 8 बजे। दिन में भी है रात में भी है। तो बताइए क्या करें, बिरहा सुना दें या फिर बिरहा सुनाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा, दोएट नहीं होगा। यदि दोएट होगा तो फिर बिरहा नहीं होगा, डिसाइड कर लीजिए आप लोग। और क्या अच्छा बीरस बात देख ला भाई, बीरस कहाँ भी भैल बिरस। अब भैया कांड आप लोगों के सुना देते हैं, तब वही से डिमांड रोल भैया के जाने का कांड का। कांड गाएंगे दोट नहीं होगा, इतना आप लोग गठिया लीजिएगा। गाओ तो ना भैया, क्या बात करे थे महाराज, मूड खराब करने के बात करते हैं आप लोग। रात भर गवाते हैं लोग, सुबह आप लोग खोदने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कलाकार के ऊपर प्रेशर होता है। जाना है कहीं हमको आप ही के क्षेत्र में, आप ही के जिला जवार में जाना है। तब भैया तू लाइन दे दो विराह का, आई आप लोगों ने बैठ जाई, बढ़िया ना लगा था खड़ा आई जाए, ऐसा लगा था कि मार के भागे वाला आई जा। आप लोग बैठ जाइए, स्थान देख करके बैठ जाइए। बहुत ही सीख मिली, जैसे उन्हें आप लोग विरहा सुन ली जा, वैसे ही बाबूजी विरहा से आप लोगों के वाकई में सीख मिली। आज के जमाने में, आज के जनरेशन में हो बाबूजी, रिश्ता का बुनियाद कितना कमजोर हो गई बा। खुद महिलाएं जो हैं, बहन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। बाप का बेटवा पर विश्वास ना बा, बेटा का बाप पर विश्वास नहीं के भैया। अब कैसे भैया भूमिका के लाइन है, बाद भी बाद के जल जलावो में फंस के आदेश की भावना मन में मानो जलाते, अभी घटित शिखरी एकता की है करते, अरिश्तों के दामन में दागी लगाते, अब
वेशभूषा में लगते यह आदर्शवादी, मुख में दाढ़ी मगर दिल में नाथू बसाते। वो विश्वास किस पर किया जाए भोला कातिल बाप विरोधी बेटा बाबा। आखिर कैसन होला विरह में आप लोगन के एकदम साफ सुने के मिली। बड़ी सुंदर लाइन है कभी जी, बड़ी सुंदर लाइन लिखना भैया बाबा। पर कवाली का बदल का अंदाज में कैसे आ जा, तुम्हारी सारा काफी है तो घबराइनी ना है, सर दे दे बा हम जान जाई। या देखिए कोई मासुका अपने आशिक से कहती है क्या, अरे मेरे कतली से पहले, अरे मेरे कतली से पहले तुझको सोचना होगा। कैसन बा ए भैया, नजम का लाइन है आजा। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। खुदा खुद देख तेरा कैसा ये दस तू हुआ, ये तो उधर का भाई भाई से ही दूर हुआ। जिला एटा में हमीरपुर की कहानी है, जिला एटा में हमीरपुर की कहानी है। और अब जब साल भाई प्यार की निशानी है, एक परिवार कारोबार में अलगाव हुआ, एक परिवार कारोबार में अलगाव हुआ।
बाट बटवार के हिस्से में मन मुटाव हुआ सुन ली हम। ए मशहूर जिला एटा गांव हमीरपुर के रहे वाला दोस्त सगा भाई, बड़ा भाई जिसका नाम विजय सिंह, छोटा भाई जिसका नाम विशाल सिंह, दोनों भाई है बाबूजी, आपन मेहरारू आपन लड़का लेके, मैंने आपन आपन परिवार लेके एक ही छत के नीचे गुजारा करत हुआ। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनल बा, खुशहाली छोले बा, लेकिन एक दिन अचानक से परिवार का माहौल बिगड़ गई। और जब परिवार का माहौल बिगड़ल हो तो दोनों देवरान जेठान, देवरान पिंकी जेठान सुमन आपस में भिड़े लगली, लड़े लगली, आपस में तोड़ मोड़ कैले ही कारे, तू भिखमंगा का बेटी है, तू कहते हाँ तू जन बड़कवा का लड़की है, देखले है जाना था, आपस में कुल तोड़ मोड़ कैले हैं, गाली गलौज कैले हैं। लेकिन ये भैया देखे आप लोग ध्यान दे, हम जब ले मेहरारू झगड़ा कर ली तब ले समझा कि तनी कोनो आब रहेला, लेकिन जब झगड़ा लड़ाई में बदल जाला, यानी मर्द के मर्दन लोगन के पास पहुंच जाला झगड़ा वाली बात, वो झगड़ा में जब मर्द शामिल हो जाला भैया तब पक्का लौर चलेला। दोनों आपस में झगड़ा दिन प्रतिदिन एकदम रोजाना कचकच कैले हैं घर में, दोनों भाई जान गईलन कि दोनों आपस में यानी कि पटत ना आपस में लड़त हैं। दोनों भाईवा एक दिन देखला ये भैया आपस में झगड़ा करत है, तोर मरद एक नंबर कई है, वो है बेईमान है, सब हड़प लिया हिस्सा रुपया पैसा। तब ले एक ढोरी कह दिया कि तोर मर्द को निमन हरे, चोरी चोरी जाके हूँ बारा में बम्बई में दिल्ली में जमीन लिखो ले बा, यही बतिया पे भैया छोटकी बोल ले बा, जोन पिंकी है देवरानी है जेठान के बोल ले बा कि तोर मर्द एक नंबर का कमीना है, दारू पियला पिए कर है, सब हड़प ले ले है। विजय सिंह बात के सुन ले, विशाल भी देखा चुपचाप देखत बा मेहरारू अब भौजाई का झगड़ा। विशाल गलत किया भैया, हमार मेहरारू जोन कहत बा एक नंबर का बात कहत है, तू एक नंबर का बेईमान हुआ। विजय कहला करे कैसे तू कह दे हले, माई बाप मर गई ना तो के बेटा नियन पलली पोसली आ तू आज हमके बेईमान कहत हुए रे, कहत बा कि हाँ भैया तू बेईमान हुआ तो हुआ, हमार मेहरारू झूठ नहीं बोली, तू जोन कैले हवा हुए तो अर करनी गावतिया, यही बतिया बा खिसिया के हो बाबूजी विजय सिंह अपने छोट भाई पर लाठी चला देना। गीत लग गेल भैया कैसे, वाह ई हो देखा मुस्किया मत मास्टर, बोल लड़की समझावतिया के समझावतिया, आशिक मजनू किस्म के लड़कन के का बहुत अखिया से झर झर पानी आ सारा दीवाना लोग से कहत बानी कि आखिर ये दिल टूटी जाला तका होई नैना लड़ा के आके हू के लबर बना के भाव में कहना है क्या भैया हो गई परिवार में जब झगड़ा चला देने भाई से लाती विशाल के कपार
के कपार गई फाटी। यानी हो बाबूजी विजय लाठी चलौला विशाल के कपारे पर, लाठी लगल ले भैया लाठी का चोट लगल, कपार तनिक सब फट गई। आ जब कपार फट गई तो खून बहे लागल, विशाल एकदम गरमा गए, कल की भैया देखा देहला ना उ दिन हमर मेहरुआ तब ही तुहके कहत रहे तो मरचा लगत रहे, लेकिन तू देखा देला अपन असली रूप। खाली अपने मेहरारू के बात में आके मतलब उल्टा सीधा कुल भाई पे इल्जाम लगावत हम। विजय कहल की अरे तू अपन जुबान ना संभाल सकेले, बहन तू हमके दोषी बनावत हुए रे। कल के भैया चुप रहा एकदम बोला मत, तुरंत अपने मेहरारू का कलाई धैला, अपने लड़का का कलाई धैला, वो सोनू कहो एक ही लड़का रहल, बड़को भैया का एक ही छोटके भैया का, अपने लड़का मेहरारू का कलाई धैला लेके घर से निकल गई। कहला भैया घर से जात है लेकिन बदला लेके रहा। देखिए भाई भाई में लड़ाई भइल, ए भैया लाठी चलल, अब भाई बदला पर उतर गई बा। अपने मेहरारू लड़का के लेके चल गई अपने दोस्त के घरे, भैया कैसे गीत लग गई। यो देखा कौन मेहरारू अपने मर्दे के श्राप देतिया, शराब देतिया। हाँ वो शराब दारू तो बोले अब बात समझ में आओ तो ना का कल शराब शराब ना भैया श्राप श्राप। अच्छा श्राप तोरे कान में कुछ हो गया का कैसे कैसे कि जा पसिंजर में कि जा पसिंजर में चाहे राजधानी में, अरे तुहार टिकट न लागी जवानी में। लेकिन हाई देख इहो कौन मेहरारू कहत बा इतना ठंडा बढ़ गई बा, जाड़ा का मौसम रहल, मर्दे से झगड़ा भइल रहे, मर्दा कुल अपन लेवा बिछौना लेके जात खरिहानी में सुते, तो जल्दी चल आवा घर में, मार दे ठंडा हो जा कठुआ के मर जैबा, राड होखला के गमना कह दिया का कि राजा जन जा तू सूते दलाली में। प्रतिशोध के बच्चा लाल सोनकर, और देखिए आदरणीय आप बच्चा लाल सोनकर जी क्या बात है, 100 रुपए का पुरस्कार, धन्य है आप लोग, चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। प्रतिशोध के चल दिल में आगी लोग यापन ए भैया मनसूबा पूरा करे बदे तैयार हो जाला। ए जो है विशाल सिंह अपन मेहरारू अपन लड़का के लेके चल गए अपने दोस्त के घरे, जो ना दोस्त का नाम रहले अब्दुल खान, अब्दुल खान के घर लेके गए बा भैया भाई का मित्र अब्दुल खान से सुनाव ले दुख सारा। Yeah.
सोफा देखला सर से खून बहत बा बैठले बा सोफा पर। अरे विशाल ई का हो गई तोके, अब मेहरारू लड़का लेके हमरे घरे आखिर बात का है? बात ही ना कि तू हमरा घरे आईल हुआ मेहरारू लड़का लेके परिवार लेके, बात ही है कि कोनो मुसीबत में तू लागत बा रहा आ मुसीबत साफ झलकत बा। वाह वाह विशाल लगल बतावे। खेरे यार का बताई, जो ने खून बहत बा ना ये हमारे भाई के देन से बहुत बा। आज हमार भाई हमार सबसे बड़ा दुश्मन हो गई बा। आज के डेट में हमारे भाई से बड़ा दुश्मन कोई ना बा। हमार भाई जो हमके मानत रहे, खियावत रहे, पियावत रहे, बढ़िया से जानत रहे, आपन खियावल पियावल ई खून निकाल के जोन बा बदला चुकोले बा। अब्दुल खनवा कहल की अच्छा ये बात बा, हाँ तोर भाई का इतनी मजाल रे, तो सुन तू आज से हमार दोस्त रहे लेकिन आज तुम्हार भाई हो गए, आज से तू हमार भाई बारे। आओ के तोरे भाई के यानी वो तोरे दुश्मन विजय सिंह के हमने दोनों भाई मिल के समझा देवे के। पहले चल हाई पट्टी वट्टी लगवाओ, चल के पट्टी वट्टी लगवाईला, ये भैया दवाई सुई ले ला। अब देखा परिवार लगे अब्दुल खान के घरे में रहत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा, दो चार दिन बीतल बा, अब्दुल खान लगल विशाल का कान भरे कि विशाल रे यार सुन एगो बात बता दी, ऐसे काम ना चली, अगर ऐसे हमने पटा के रहल जाई शांत होकर रहल जाई तो के कहा उ तो तोरे हिस्सा में रज गज बा, तोरे हिस्सा के लेके राज रजत बा, ओकरा से अब बदला लेवे के समय आ गेल बा। विशाल कहत बा कि हाँ यार हम तो भूलिए गेल रही हाँ भैया का, हम ईट का जवाब पत्थर के करारा दे, पत्थर से हम दे। देखे बाबूजी दोनों योजना बनौलन, आ योजना ई बनौलन। वह विशाल बतावत बा कि हमार भतीजा दीपक शाम के टाइम 3 बजे पढ़ के जोन बा हमरे ये दुअरिये से जाला। अब्दुल खनवा कहत बा कि बस कर एकदम योजना अब बन गई, बन गई योजना, बन गई, अब योजना खोजे के ना बन गई, चिंता मत कर। आज के ही दिन तोरे भतीजा के हमने किडनैप कर जाए मिलके, और तोरे भाई के बदला भतीजा से लेल जाए। कहां से तोरे भाई अपने बेटा के बहुत मानेला, छटपटा के मर जाए। आप लोग सुनबे कैले हजा की पुत्र शोक बहुत ही बड़ा शोक होता है भैया। तब हो बाबू जी विजय सिंह का लड़का दीपक सिंह 4 बजे जोन बाए भैया पढ़ के जात रहल, वही अब्दुल खान के दुआरे में ही रास्ता रहल, जात रहल, दोनों देखला अब्दुल खान और विशाल सिंह। वो लड़का के पास गेला, ये भैया मुंह बंद करके घर में उठा के लेके चली अला, घर में बैठा देला, हाथ पैर बांध देला, कैसे भैया टेरी कलाई। गुलशन का बैरी काटा बन गया, अरे गुलशन का बैरी काटा बन गया, वो साहिल निकल गया दरिया के ज्वर। गुलशन का बैरी कांटा बन गया, साहिल निकल गया दरिया के ज्वार भाटा। देखे बाबूजी दोनों मिल के जोन बा विजय के लड़का के किडनैप कैलन, घर में बांध के रखले बाड़न। धीरे धीरे वो लड़का के भैया शाम जब भइल बा यानी रात जब भइल बा, घरे देखा माई बाप परेशान हम, विजय सिंह परेशान बना, उनका पत्नी सुमन परेशान बाड़ी कि हमार लड़का पढ़ के ना आई। विजय तुरंत गईला भाई को उठौला स्कूल में गईला, शंकाई बाकी कहीं ऐसा तना ना कि लड़का स्कूल से छूट के स्कूलों में खेलत हुई। स्कूल में गईला, स्कूल में लड़का कहता पता ना है, घरे अला आके मेहरारू से बतावत बाना कि स्कूल में बबुआ ना बा। मेहरारू परेशान बिया कि आखिर लड़का गईल कहा, लड़का गईल तो गईल कहा, तई न तई सब जगह लोग फोन कर ले भैया कहीं केहू बतावत ना बा, सब कहत बा कि नहीं तुहार लड़का ये जन आया बा। आखिरकार हो बाबूजी देखे इन्हें लड़का के किडनैप कर ले हो दोनों पपिया मिलके, रात से सबेर भइल बा लेकिन वो लड़का के मुंह में एको अनाज का फट्टी नहीं गई बा, अनाज का दाना नहीं गई बा, पानी नहीं गई बा। धीरे धीरे देखे माई बाबू इधर परेशान, 2 दिन बीतल बा माई एकदम परेशान हो गई, माई छटपटा छटपटा रोवत बाड़ी, दुआरे हित ना त्यावत बाना। अरे भैया 4 दिन जब बीतल तो देखा जो लड़का रहल हो दीपक,
रो रो के चाचा से कहत बा कि ये चाचा तोरा के हमार बाबू मरले बाना, हमार पापा मरले बाना, तू हमसे काहे बदला चुकावत बड़ा चाचा, हमें छोड़ दा। लेकिन देखा भैया दोनों पपिया और लड़का के कैसे सटावत ना भैया, गीत लगल देखा हमरे मऊ जिला में गीत फेमस है। इन लोग मलाह लोग गवेले भैया, मलाह लोग औरत गवेली कैसे, ए हा पार गंगा माई हो आ ओ हा पार जमुना हो, गणपत बा कैसे आप भूखी या पियासी ऐसी रोत बा कि चार दिन लड़का भूखल रहल, लेकिन जिंदा कैसे रहल, मतलब वो कैसे बोल चाल ले। तो आप लोगन देखले हो खब जा जोन छोट लड़का होला ओने के भैया एक टाइम भूखा रख दे, दो टाइम भूखा रख दे, वो जल्दी कुछ नहीं बोली है, खेलला में कुदला में मस्त रही। लेकिन अगर सयान आदमी के एक टाइम भूखा रख देब तब तो एकदम गरई मसर नियन छटपटा जाइ। हाँ लड़का डरल बा सहमल बा, चार दिन का भूखाइल प्यासल बा, चाचा से अपना वो विशाल सिंह से खाना मांगे, आ जब खाना मांगे हो बाबूजी तो खींच के तमाचा मांगे मारे, तमाचा जब मारे लड़का छटपटा जा, कहे कि ये चाचा अगर खाना नहीं देबा तो कम से कम चाचा हमें पानी तो पिया दा। जब पानी का नाम लेता अब्दुल खनवा जोन बा, ये भैया वो लड़का के गाल पर बहुत जोरदार थप्पड़ मारे, यानी दोनों मिलकर लड़का के प्रताड़ित करत हूँ, परेशान करत हूँ कैसे। अरे भेला ना तो सैया जाबा हम मांगे ला भोजन के मारत हुआ पीटत हुआ लड़का रोवे, आ जब लड़कावा रोवे तो देखा अब्दुल खनवा का कहता विशाल सिंह से कि ए यार ए मित्र ए दोस्त तो के पता है जैसे रुवत बा, अगर एक रुआई का आवाज गांव में अगर कोई भी सुन जाई तो भारी मुसीबत हमनी पाया जाई, गांव का कोई भी अगर सुन गई एक तोरे ओकर विजय सिंह का ओकर लड़का हेराइल बा, मैंने तोरे भाई का तोरे दुश्मन का लड़का के खोजे में उचारो वर लगल बा, तनिक भी भनक लग जाई हमनी का जिंदगी माहूर हो जाई। विशाल कहत बा कि अच्छा तक का कइल जा, का करे के बाद जल्दी बतावो कोनो योजना बनावो कि एकर काम खत्म कइल जा। देखो हो बाबूजी विशलवा का कान भरला अब्दुल खनवा,
कि एगो काम कर, हम नहीं कहे के जोन बा आज शाम का ही खत्म कर दहल जा। देखिए भैया कैसे पपिया दोनों योजना बनावत हम। खैर अब्दुल खान तो गए रहे, लेकिन ये विशाल सिंह तो अपना था ना। लेकिन देखिए बाबूजी, हैवानियत सवार बा, राक्षस सवार बा, कैसे भैया गीत लगल। ए भैया एकदम मौका कई चीज है। ये देखा जो नहीं कुल सत्संग मतसंग कुल होता है भैया, कुल बाबा लोग आवत हुआ कोनो नई नवेली दुलहिन एकदम भैया ओठ रंग के लाली पाउडर को बढ़िया से मेकअप लगाई उगाई के बढ़िया साड़ी पहिर के कहत बाकी हुआ बाबा जी आवत हुआ कथावाचक बाबा। वहां जाए ना अम्मा जी तो भले हमार लड़का ना होता तो का भइल, लेकिन वहां जाते आप यकीन मानी संतान के प्राप्ति हो जाए। बबूत लेके ससुई बड़ी समझदार रहल कल बचिया बचिया तू ऐजम मत जो तो के बहु ना अपन बेटी मानी ला, हम जाना तनी सब कथावाचक ना एक नंबर का कमीना हुआ। तू ऐजम मत जो कह दे भाई अम्मा जी रउआ के तो कुछ समझ में आई नहीं। अरे सुनी हमार बात वहां जाए तो हम ही के फलित हुई कह दिया का। अरे आए के मारे बदे हमनी के हथियार एकदम खास हथियार लेके आवे के परी कैसे। अरे खुल जाई तोलावा नारे नी तवा खुल जाई तोलावा थोड़ा सा हमके संकोच लगत था, थोड़ा हमके शंका होत बा कि अगर कहीं तनको केहू जान गई कि हमने का घर में मारत नहीं जा एगो लड़का के तो बड़ी बवाल हो जाई। कहले कि बवाल हो जाई आ जनी रोवता अगर एकर केहू रोवैया सुन ले ना तो कुछ कैलहू ना हुआ खाली बस पकड़ के रखले बड़ा दू तमाचा मरले बड़े ना बहुत ज्यादा भारी बवाल हो जाई। ऐसे बढ़िया बात की कमवे खत्म कर दहल जा। तब हम बाबूजी देखे दोनों आपस में एकदम प्लान में सक्सेस हो गई तमाम कुल हथियार लेके अला। अब मारे बदे दोनों पपिया हो बाबूजी। देखे शाम के वक्त जोन बा वो लड़का के जोन कोठरी में बंद कैले रहला वही कोठरी में पहुंचल बाना। आ जाके ये भैया वो लड़का के बेरहमी से पहले थप्पड़ मारत हुआ। लड़का छटपटा के अपने चाचा से पूछत बा, अपने विशाल चाचा से दीपक पूछत बा कि चाचा काहे हमें मारत हो चाचा, अब तक खाना पानी तो से ना मांगे थे काहे हमके मारत बारा। कहत बा कि अरे काहे मारत बानी तोरे खाती तोरे मतारी खाती तोरे बाप हमके घर से बाहर निकाल देलक। लड़का कहत बा कि चाचा झूठ बोलत बारा, पापा तो के घर से ना निकलना झगड़ा के करे घर में ना होला चाचा, तू तो खिसिया के आ गेला लेकिन पापा का तू इतना बड़ा दुश्मन बन गईला कि आज हमरो के भी ना छोड़त बारा। ए भैया इतनी बतिया सुन के मारत बा लड़का के तमाम
थप्पड़ मारत बा अब्दुल खान से भी मरवावत बा। कहत बा कि सुन ज्ञान मत दे, चुपचाप बैठ जो। वो लड़का के मुंह के बदले हवा आ देखा बाबूजी कितना बेरहमी से वो लड़का के चुन चुन के मारत हुआ कि लड़का उफ तक ना करे। विदेशिया खाइन बा भी आके काटी ली हले अरे रेट करके छुरिया हो आरो वटा सुगना मांगा अबाई करके निरवा अयखिया रही त अबाई हरदम आशिया हो अयखिया निकाली ली हले अरे तड़प उठा ही रवा चुन चुन के हो बाबूजी एक कह जला कि चुन के मारल। देखा जब लड़का के ए भैया मरले बाड़ा जब लड़का रोले बा तो अब्दुल खनवा कहत बा कि पहले एकर जीभ काट। जीभ कटा जाए तो आवाज एकर कहीं दूर तक ना जाए, यही घरवे में रह जाए। जीभ के कटले बाना लड़का एकदम छटपटा गई। लड़का जब छटपटाइल बा आंख से आंसू का धार चले लागल। बिसलवा कहत बा कि अरे यार एक आंख से आंसू का धार चलत है, रोवत बा ये दोनों पपियन के भैया तनिक भी मया ना आवत बा, तनिक भी कलेजा पिघलत ना बा। छुरा घोप के दोनों आंख के निकाल लेना। आज जब दोनों आंखिया के निकल ले बा लड़का एकदम से लड़का का पूरा बॉडी छटपटा गई बा। पूरा बॉडी ये भैया पटके लगल बा जमीन पर। तब का कहला आगे हाथ गोड़ काट करके आ घर में छिपाई दी हले आ वही पतलों के जुहा में फेंक दी हले सिरवा। यानी हो बाबूजी जब लड़का देह पटके लागल तो वो लड़का के हाथ गोड़ कटले बाना। हाथ गोड़ कटला के बाद हो बाबूजी है गर्दन अलगवले हुआ आ गर्दनिया के अलगा के देखा कहल जला हो बाबूजी जी। आप लोग सुनले बानी जा कि चोर जब चोरी करता है तो कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है। चोरी हत्या पाप जल्दी छुपेला भी नहीं। बात ना हो के भैया छुपता नहीं है। सिर के जोन बा लड़का के मुड़ी जोन बा झोला में कैला झोला में कई के पतलों के जूहा की ओरी फेंकवा देना। हाथ गोड़ जितना भी अंग रह ले भैया वही घर में गड्ढा खोद के वही कोठरी में छिपा देना। एक करनामा यानी ये घटना के अंजाम दे के खाला करनामा कही के दोनों पपिया जोन बाए भैया फरार हो गए बना। तो बहिल का भैया मित्र अब्दुल खान साथे देखा पिसाली अब्बा देखा पिसाली अब्बा बउआ से भाई लनका रहलन बिसाल के हो जी कतल कई के मर्डर कई के फरार हो गई ना। लेकिन फरार तो भइल हुआ जोन बिसलवा का लड़का रहल सोनू। ओ सोनू लड़का हो बाबूजी ओ सारा करनामा के खिड़की से दिखले रहल। लेकिन वो लड़का उफ तक नहीं किया, कुछ बोला नहीं, इसलिए कि हमार बाप जब अपने ही भतीजा के अपने हाथ से मरत बा तनिक भी जान जाई कि हमार लड़का देखत बा तो का पता ऐसा कातिल बाप का भरोसा कि हमरो के मार दे। वो लड़का अपने आंख के सामने सारा करतूत के देखले बा। देखलस कि हमार बाप हमारे बाप का दोस्त जब फरार हो गई ना वो लड़का के दिल में विचार बदल गई कि मेरा बाप कुल का द्रोही है। हमार बाप बाप कहा एक लायक ना है, केहू का भाई कहा एक लायक ना है, केहू का चाचा
काहे के लायक ना बा, हृदय में विचार बदलल बा, और लड़का हो बाबूजी योजना बना लेला, यानी प्लान बनौले बा कि अब हमके का करे के चाही, आया दोनों पपियन के सजा कैसे हम दिलाई, सजा कैसे मिली, कैसे हो भैया पपट के लाई, अरे जेकर है दिल में दया धर्म ना, अरे जेकर है दिल में दया धर्म ना, अरे लाज बाप बा कातिल हो, अरे कुल के द्रोही कहे जके समाज बाप बा कातिल हो, अपने बाप के हम सजा दिला के रह, भले हमार जान चल जाई, कैसे भैया लाइन बा, कि बड़ी भाई ने बाप हमार अरे फूटल भाई के जोड़ा हो, आप भूली के हम सबक सिखाई बे, अरे बन के बेढ़ी फोड़ा हो, आसीने अंदर चाकू मारब, अरे या आज बाप बा कातिल हो, अरे कुल के द्रोही कहे जेके समाज बाप बाप कातिल हो, यही ठनले बाहो बाबूजी कि अपने सीना के अंदर हम आज छाकू मारब, कैसे हूं ना कैसे हूं, दुनिया केहू ना केहू हमारे पास आई, अपने बाप का भंडा फोड़ करब, लड़का योजना बना ले ले बा, छाकू मारब तमारब, इधर देखे विजय सिंह सवेर के बेला सहज करे जब गैल बना हो भैया, वही पतलों के जुहा की ओर ही गैल हो, देखलन कि खून से लथपथ झोला बा, खून से लथपथ झोला जोन बाहो बाबूजी कुल मक्खी बन बना थे, कुल माछी लगत थी, देखिए बेचारा हारा हुआ बाप है, टूटा हुआ बाप है, दुखी पिता है, हिम्मत एकदम से भैया, काम भी करत है आ काम करे वाला जगह पे काम ना करत है, यानी बेसुध हो गई हवा, का करी हा का ना करी हा, कुछ बुझात ना हा, कुछ सुझात ना, खून से लथपथ झोला के पास चल गई, ये डरना कि पता नहीं हमें का होई का ना होई, चल गई ना वो झोला के पास, भैल का भैया अलहक लाई, कि चोरी हाथिया पाप नहीं, कि चोरी हाथिया पाप नहीं, अरे छुपे ला छुपा वाला से, विजय सिंह जगह सोच कर गयन भैया, वही काचावा के मुड़ी देख कर ले चिघार, इस कारवा में दर्द खानावा में जाके बाबू, झोला के पास गईला, हाथ से झोला के उठौला, झोला के खोलले माना रसरी से झोला बांधल रहे, झोला के जब खोद के हो खोल के हो बाबूजी, जैसे ही उझिले बाना
लैका का मुड़ी नीचे गिरल। आ जब लैका का मुड़ी नीचे गिरल हो बाबूजी, अरे बाप रे बाप, आई हो बेटा गई के धड़ाम से हुई धरती पर जमीन पर गिर गई ना, छाती पीट पीट के रोवत बना कि हमार बेटा आज तू हमके मिलला तो तुहार मुड़ी मिलल। बेटवा का गर्दन हिम्मत देखा, बेटा का गर्दन उहे अपना गमछा में बंधला, गमछा में बांध के लेके चल गई ना ये भैया थाना पर। थाना पर जाई के थानेदार साहब से सारी बात के बतावत हो कि लड़का हमार 5-6 दिना से लापता रहल और आज हमके अपने बेटवा का गर्दन मिलल, हे साहब हम कैसन अभागा बाप बानी। थानेदार साहब केस को निगरानी में ले रहे हैं कि तब तक जौन बा भारी शोर मच गई कि अब्दुल खान के घरे, अब्दुल खान के घरे जोन विशाल सिंह का उनके दोस्त का लड़का रहल सोनू, ओकरा के कोनो गुंडा चाकू मार देले बा। तुरंत देखे बाबूजी थाना पर खबर गई बा, थानेदार साहब तुरंत जो है चल देते हैं गाड़ी निकाल करके, चूंकि जा तो नहीं रहे थे, लेकिन विजय सिंह कहते हो कि साहब क्यों के बेटा का केहू के बेटवा का जिंदगी का सवाल बा, इना पता कि विजय विशाल के लड़का का लड़का केहू चाकू मरले है, कुछ ना जानत माना, बस इतना जानत माना कि केहू का लड़का के चाकू लग गई बा, कोनो गुंडा चाकू मार के भाग गई बा। कि साहब आप जाइए, आप जब आएंगे ना तभी हम सारी बात आपसे आगे की बात करेंगे। थानेदार साहब घटना स्थल पर अला हो बाबूजी, देखला लड़का के चाकू लगल बा सीना में, लड़का छटपटात बा, आखिरी सांस चलत बा लड़का का, लड़का छटपटात बा। थानेदार साहब आए गोद में उठा लिए, पूछ रहे हैं बेटा बेटा तो के मरले है, बेटा तो के चाकू के मरले है, काहे मरले है, कब मरले है। लड़का कहत बा कि साहब चाकू के मरले है, कब मरले है, ये बतिया आपसे हम ना बताई। हे साहब ये बात अपने बड़का बाबू से हम बताई बहुत साहब। कलम बाहर लड़का का हिम्मत देखा चाकू लगल है, लेकिन आवाज तनिक भी नर्वस ना है। कहत बाकी साहब बड़का बाबू के हमरा बुलावा, बड़का बाबू के नहीं बोले बस साहब ना, तो बहुत हम दुखी हो जाए, दुखी हो कि हमारे प्राण निकली। पूछत माने कि तुम्हारे बड़का बाबू का नाम का हो, बता रहा है कि विजय सिंह। विजय सिंह का जब नाम थानेदार साहब सुनना अवाक हो गए ना कि वही विजय सिंह जो अपने बेटे का कटा हुआ गर्दन थाने में लेकर के आया है। लड़का का अदब कि हाँ साहब वह विजय सिंह, हमारे बाबू जी के जल्दी बुलावा। विजय सिंह के बुलावल गई, आज जब विजय सिंह अला हो बाबू जी, वो लड़का के थानेदार साहब से गोद से अपना गोद में ले लिया ला, और देखना अपना वो बचवा सोनू के अपने भाई के लड़का के लेके फफक के रोवत बाना, फफक के रो के ये कहत बने करे बेटा तोर भाई तो चलिए गई, आज तू भी छोड़ के जात बारे, लेकिन देखा लड़का का कहता भैया खड़ी के लाइन है। अरे इच्छा मरती के बेरिया, अरे इच्छा मरती के बेरिया, पूराई हमारी गई का भैया साथे लसिया जरई ज्यादा बतियावे के टाइम ना है, ज्यादा बात करे के समय नहीं के हो पापा। सुना जब हम मर जाइब ना तो हमरे लसिया के बड़का भैया के संगे जरा दी है। विजय सिंह जब सुनला कि बड़का भैया के संगे जरा दी है, कहला कि बाबू ए सोनू, अरे बेटा तो के ही कैसे पता है कि हमार यानी तुहार भैया दीपक के दुनिया में ना है। कहला पापा का बात करत हुआ, अपने दोनों अखिया से देखले बानी भैया का कैसे कुल पपिया जन्मा हत दियला हो पापा, अपने दोनों आंख से देखले बानी। कहला बेटा का तू देखले बारा, के देखले बारा, बेटा जल्दी बताओ हमके। कहत बाकी पापा बताई, लेकिन वादा करा कि भैया के साथे हमार लाश जरेबा ना। कहला बेटा वादा बारे, लेकिन बेटा बताओ हमके सच्चाई बता रहा है क्या। अपना हाथे से हमके ओढ़ाई हा तू का फनवा, आछुए नाही लाश पावे बाप मोर बई मनवा। अरे घर समझ के ममता ना तू लई हा हमरी, अरे घर समझ के ममता ना तू लई हा हमरी।
बताओ के मरले हा। कहत बा कि पापा एगो और बात बा, वादा करा जब हमार बाप पापी कमीना बाप जब आ जाई तो बाप के हमार लाश में छुए दिया। बड़ा ही अवाक होत हवन विजय सिंह की, आखिर अपने बाप का विरोध काहे करत बा। कहत बा कि बाबूजी विरोध ए बदे करत है ना कि हमार बाप जोन बा अपने दोस्त अब्दुलवा के संगे मिलके दीपक भैया के हो बाबूजी हे पापा बड़ी बेरहमी से मार देलस, बड़ा चुन चुन के मरले बाहो पापा। ओ पापी के चाहे जहां भी होई दुनिया के कोना सो के खोज के निकली है, भले ही तुआ रुआ रुआ बिक जाये लेकिन वो पपियन के फांसी का सजा जरूर दिलवाई है। इतना कह करके वो लड़का दम को तोड़ दिया। और विजय सिंह ए भैया छाती पीट पीट के रोवत बाना, और दोनों बचपन का ए भैया दाह संस्कार इक्के संगे कैलन। खैर देखे ओ जो पापी दोनों जो फरार हुए थे वो भले चाहे मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन ये बिरहा से संदेश दी है बाहो बाबूजी कि अगर मेहरारू चाहे दी हाँ मेहरारू, यानी देखे हमारे देश के महिला देश के नारी देश के बहन बिटिया ये भैया साक्षात देवी हैं, अगर ये लोग चाहे दिया तो घर के स्वर्ग बना दिया, चाहे दिया तो नरक बना दिया। शुरुआत कहाँ से भइल मेहरारू के झगड़ा से, मेहरारू के झगड़ा से शुरुआत भइल मर्दन के बीच में पहुंचल, आ जब मर्दानन के बीच में पहुंचल ये भैया तो झगड़ा लड़ाई में बदलल, आ लड़ाई में बदलला के बाद खून खराबा। लेकिन उस खून खराबा में क्या हुआ, दोनों भाइयों का कुल का दीपक बुझ गया। इसलिए कहा जाता है बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। घर में दिया जराए वाला ना ही कोई दीपक बचा ना ही सोनू बचा। बिरहा समाप्त, आज सवेर हो गई बा यार, बड़ा और देखिए आदरिया आप अनूप राज अनूप कुमार राज जी वार्ड नंबर 26 सभासद के प्रत्याशी, 100 रुपए का पुरस्कार आपके ओर से, चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। देखा भैया उजाला हो गई हम, जेके देवे के लिया के दे दलो ना भैया, ये हम ना कब आप लोग चाहे दिहा या ना दिहा, लेकिन खास करके एक बात बता दी कब ले आप लोग बर्दाश्त करी हाँ। सवेर का समय है फरेश सुरेश होखल जाला, लेकिन आप लोग इतना रोकथाम कर ले वही बढ़िया ना, बीमारी का खतरा है, बीमारी का आप लोग खतरा मोल लेते हो वहाँ, तो एक रोकथाम नहीं करेंगे आप लोग विराज सुन ले ली। अब आप लोग भी चुकी प्रस्थान, अब माता बहनी भी हमारे सबका बर्तन करे खाना पीना बनावे, हम लोग भी आप लोग छुट्टी करी दिन में भी है रात में है, हम का जा जा फरेश होके आओ भैया की जय जय खार। गुरु जद्दू जी की जय अमर फुलवारी, अरे गुरु सिमराय संग मितवा औधा बिहारी हो, अरे गुलशन का बहरी कांटा हमें बन गया, अरे गुलशन का बहरी कांटा बन गया, ता बोला कभी कभी ता पूजा से जवाबा।